अस्सलाम वालेकुम बेटा। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की थी और उसमें वेन डायग्राम सीखा था। ठीक है, तो वेन डायग्राम में हमने इंटरसेक्शन, यूनियन ये कर लिया था, जबकि डिफरेंस ऑफ सेट भी किया था। आज हम करेंगे वेन डायग्राम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। बेटा ये हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ऑफसेट्स थ्रू वेन डायग्राम, थ्रू वेन डायग्राम। अच्छा बेटा, जो बाकी जो आपने डिफरेंस ऑफ साइड पढ़ा था, इसका यूनियन इंटरसेक्शन, इसका क्वेश्चन में 1 और 2 था। तो जब मंडे से कॉलेज खुलेंगे तो मैं आपकी कॉपी में वो चेक करूंगा। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन में 1, 2 और 3 ये करने हैं। बिल्कुल आसान से है। बेटा ये इसमें भी 3 केसेस हैं। पहला केस ये है कि व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। आपको याद होगा ओवरलैप सेट क्या होते हैं, जब दो सेट हो और उनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो, उसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। तो ये आपका क्वेश्चन अब मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, सेट आपके पास यू है, यू होता है यूनिवर्सल सेट, 0, 1, 2, 3 up to 12 तक। आपको याद है कि ये सेट ऑफ होल नंबर होता है, ये यूनिवर्सल सेट है 0, 1, 2, 3 और up to 12। ये सेट ए आपके पास है, ये 6, 7, 8 और 9, ये सेट ए आपके पास है। ठीक है, और फिर एक सेट बी आपके पास है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो बेटा देखें, ये ए और बी ओवरलैप सेट है, इनमें दोनों में 6 जो है वो कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट है 0 से लेकर 12 तक, सेट ए है 6 से लेकर 9 तक और बी है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो पहले हमें फाइंड करना है ए डैश विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है, अब हम यहां पहले करते हैं, पहले फॉर ए डैश के वेन डायग्राम भी बनाएंगे। तो आपको याद होगा जो ए डैश क्या होता है कि वी नो दैट ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट है 0, 1, 2, 3 up to 12। माइनस ए, ए आपके पास है 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8 और 9। तो आपको याद होता है कि क्या होता है, यानी ए डैश का मतलब यू माइनस है, यू के वो एलिमेंट जो ए के अंदर मौजूद ना हो, दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए। तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, देखिए यू के कौन से एलिमेंट ए के अंदर नहीं है 6, 7, 8, 9 के अलावा। तो देखिए ये ए डैश आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब 6, 7, 8 इसके अंदर शामिल है, फिर क्या आ जाएगा 10, 11 और 12। तो बेटा ये तो था मैन्युअल ना, अब हमने इसकी जो क्या बनानी, वेन डायग्राम बनानी है। ठीक है, तो अब वेन डायग्राम के लिए क्या करेंगे, देखिए इसकी हमने बनानी है वेन डायग्राम। ठीक है, अब वेन डायग्राम के लिए आपको याद होगा यूनिवर्सल सेट के लिए हम बनाते हैं रेक्टेंगल।
ठीक है बेटा, तो ये आपके पास है यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, अब इसके अंदर हम बनाएंगे सेट ए। सेट ए हम बनाएंगे, देखेंगे सर्कल बना देंगे, ये बना देंगे हम सेट ए। तो ये आपके पास सेट ए। तो बेटा हम लोगों ने क्या करना है, देखें कि सेट ए यानी जो ए डैश में क्या करते हैं, कि देखिए हमने क्या करना है, यू को शेड कर देना है, ठीक है, और ए को शेड नहीं करना, यानी ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने यू को क्या कर देना है, शेड कर देना है। ठीक है, अब हमने यू को पूरे को शेड कर देना बेटा। ये हमने यू को पूरे को शेड कर दिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहां पर यानी जो एक एलिमेंट है ये सेट ए है, तो यहां पर जो एक एलिमेंट है वो लिख देंगे। एक एलिमेंट क्या है, 6 8, 6 7 8 और 9, और जो बाकी बच गए हैं जो यानी जो ए डैश जो बाकी यू के बच गए हैं वो यहां पे लिख देंगे। ठीक है, वो आपके पास क्या है, 0 1 2 3 4 5 10 11 और 12। बेटा ये आपके पास आ जाएगा ए डैश। तो यानी ए डैश के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, जो ए डैश है बेसिकली क्या होता है, यू माइनस ए, और जो ए डैश यानी ये जो क्या होता है कि ये जो पोर्शन है ये शेड वाला पोर्शन है, कौन से वाला जो मैंने ये अलग किया है, ये बेसिकली ए डैश होता है, ये ए डैश को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आपने शेड यू करना है, एक्सेप्ट ए के अलावा जो है वो आपने शेड कर देना। तो ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट। दोबारा सुन लें, ए डैश आपको याद है यू माइनस ए होता है, जब आपने वेन डायग्राम बनानी है तो ए सेट के अलावा बाकी सबको शेड कर देना। ठीक है, और ए के अंदर उसके एलिमेंट लिख देंगे, और जो बाकी यू के जो बच जो ए यानी बच जाएंगे यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है वो लिख देंगे हम यू के अंदर। तो ये जो डार्क पोर्शन है जो हमने शेड किया रेक्टेंगल वाला, ये कहलाता है ए डैश। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं बी डैश। अब हम लिखते हैं फॉर बी डैश, आपको याद होगा बी डैश का मतलब ये होता है कि वी नो दैट बी डैश मीन यू माइनस बी, यू के वो एलिमेंट जो बी के अंदर मौजूद ना हो। तो यू आपके पास क्या था, 0 1 2 3 4 12, और माइनस बी आपके पास क्या था, 1 से लेके 6 था, 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे कि बी डैश के लिए यू के वो एलिमेंट जो बी के अंदर मौजूद नहीं है वो क्या आ जाएंगे, देखें 0 1 2 3 4 5 6 तो है, तो 0 फिर आ जाएगा 7। ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगा 8, फिर 9, फिर
फिर 10, फिर 11 और फिर 12। तो ये आपके पास आ गया बी डैश, यानी बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसकी वेन डायग्राम बनानी, ठीक है? तो वेन डायग्राम जब बनाएंगे, आपको याद होगा वेन डायग्राम के लिए एक रेक्टेंगल बनाते हैं, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो ये तो आपके पास आ गया यू। अब इसके अंदर हम बनाएंगे सर्कल, ठीक है? जो सेट बी बनाएंगे, ये आपने बनाया सेट बी। तो इसमें भी देखिए हमने क्या करना है, इसमें भी हमने जो शेड करना, हमने करना है किसको, यूनिवर्सल सेट को, बी को शेड नहीं करना, ठीक है? तो हम बी को शेड करते हैं, सॉरी यू को शेड करते हैं। बेटा नहीं, आपने सिर्फ यू को शेड करना है, बी को शेड नहीं करना, ठीक है? तो ये सेट बी है, बी के एलिमेंट्स कौन से थे वो लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और जो बाकी बच गए हैं वो लिख देंगे यू में। तो आपको याद, बचे क्या थे, 0, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। बेटा ये जो शेडेड पोर्शन है ये बेसिकली कहता है बी डैश को, ठीक है? बेसिकली क्या होता है, जो शेडेड पोर्शन है ये जो बी डैश क्या हो जाएगा, बी डैश इज इक्वल टू यू माइनस बी। और जो शेडेड पोर्शन है ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये जो पोर्शन है शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट करता है बी कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है? तो बेटा ये आपने ए डैश, यानी ए कॉम्प्लीमेंट भी सीख लिया, बी कॉम्प्लीमेंट भी, यानी ए कॉम्प्लीमेंट या बी कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट को शेड करते हैं और ए और बी को शेड नहीं करते, ठीक है? तो ये तो आपके पास आ गया था ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको याद होगा कि जो डिमॉर्गन्स लॉ है, डिमॉर्गन्स लॉ में क्या होता था कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। डिमॉर्गन्स लॉ के लिए आपको याद होगा कि क्या होता था, आप लिखेंगे 4 a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट। तो आपको याद होगा ए यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब ये होता था यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, ठीक है? तो देखिए आपके पास क्या है यूनिवर्सल सेट, तो आपके पास क्या है 0, 1, 2, 3 up to 12, और माइनस ए यूनियन बी, तो यहां ब्रैकेट डाल देंगे और ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी देखिए आपको याद होगा
जो एक एलिमेंट थे वो क्या थे आपके पास? 6, 7, 8, 9 और 10, 6 से 9 तक, ठीक है? 6, 7, 6, 7, 8, 9, और यूनियन बी, बी आपके पास है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है? अब एक यूनिवर्सल सेट तो आपके पास है 0, 1, 2, 3 12, और माइनस देखिए ए यू वी इनको कंबाइन कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो अब आपको याद होगा कि ए यू बी का होल कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि यू की वो एलिमेंट्स जो ए यू बी के अंदर मौजूद ना हो। देखिए कौन कौन से नहीं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के अलावा एक 0 है, एक फिर 10 है और फिर 11 और फिर 12, ये आपके पास आ गया ए यू बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? अब हमने इसकी बनानी है वेन डायग्राम, ठीक है? तो वेन डायग्राम मैं यहीं पे बना देता हूँ, ठीक है? ठीक है, वेन डायग्राम बना रहे, ये तो आपका यूनिवर्सल सेट यू आ जाएगा, ठीक है? अब यहां पे क्योंकि दो सेट ए और बी हैं तो हम ए और बी बनाएंगे। तो देखिए जो ए आपके पास सेट ए है, ये सेट ए है, और क्योंकि ये ओवरलैप सेट है इनमें, क्योंकि एक एलिमेंट 6 कॉमन भी है, तो जो बी बनाएंगे वो क्योंकि यहाँ पे कॉमन एलिमेंट भी है, ठीक है? तो ये सेट ए और ये सेट बी है, तो हम क्या करेंगे, पहले देखिए आपको याद होगा कि यूनियन में क्या करते थे कि ये सेट और बी दोनों को हम लोग क्या करते थे, इन्हें शेड करते थे। तो ये मैं शेड कर रहा हूं, पूरे को यूनियन में दोनों सेटों को शेड कर रहा हूं। ये सेट ए है, ये सेट बी, अब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो है 6, वो यहां लिख देंगे 6, और सेट ए के जो एलिमेंट थे वो क्या थे, 7, 8, 9, 7, 8 और 9, क्योंकि 6 यहाँ कॉमन आ गया, और बी क्या आ गया 1, 2, 3, 4 और 5, और जो बाकी बच गया, अब यूनिवर्सल सेट देखे नहीं, इसको भी हम करेंगे शेयर, ठीक है? यूनिवर्सल सेट जो हम शेड करेंगे कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट को लाजमी जो है यू को लाजमी शेड करते हैं, ठीक? बची ज्यादा शेड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास बोर्ड है जो ऐसे ही होगा। बट आई मीन बेसिकली जो है ना, जैसे वो यूनियन हम ए यूनियन बी फाइंड करते थे ना, ये वैसे ही है, ए और बी को शेड कर देना है कंप्लीट,
और जो कॉमन एलिमेंट वो लिख देंगे, ठीक है। और जो बाकी आप जो, क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे कि आप जो यू के जो बाकी एलिमेंट बच गए देखें, ये दें 0, 10, 12 और 12, ये लिख देंगे। देखिए 0, 10, 11 और 12, तो बेटा ये हमने दिए, ठीक है। तो ए यूनियन बी देखें क्या, बेसिकली देखें ये जो है ना आपके पास, देखिए ये रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी को, ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी को, ठीक है। ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी, ये है ए यूनियन बी, ठीक है। और जो बाकी है ये जो आपके पास ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, ये जो ऑरेंज वाला इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये जो ऑरेंज वाला है ए यू बी के होल कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। ए यूनियन बी जो है वो अपना ब्लू वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्काई ब्लू को, और ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है ऑरेंज वाले को, ठीक है बेटा। तो ये तो आपके पास था यूनियन। अब हम लोग करेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है, जो डिमॉर्गन्स लॉ का जो दूसरा रूल होता है। अब ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, बट आपको याद होगा कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि वी नो दैट ए ए इंटरसेक्शन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है जो होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए यूनिवर्सल सेट तो आपके पास क्या है, 0, 1, 2, 3 अप टू 12 तक है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए देखिए आपके पास क्या है, ये आपके पास है 6, 7, 8 और 9, इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है, 1, 2, 3, एक इसको मैं नीचे लिख रहा हूं, इंटरसेक्शन जो आपके पास इस पूरे को यहां मैं लिख रहा हूं दूसरी लाइन में, यहां पे मैं पूरा नहीं आ रहा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूनिवर्सल सेट आपके पास है 0, 1, 2, 3 अप टू 12 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए आपके पास है 6, 7, 8 और 9, इंटरसेक्शन बी आपके पास है 1, 3, 4, 5, 6, ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। और यहां पे जो ना ब्रैकेट डाल देंगे, ये आपके पास आ गया 0, 1, 2, 3 अप टू 12 और माइनस के इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, कॉमन एलिमेंट कौन सा, 6 है वो आपने लिखा। अब बच्चे आपको याद होगा कि देखें
यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि यू के वो एलिमेंट जो बी के अंदर मौजूद नहीं है, तो सिक्स के अलावा सारे ही हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं लिखेंगे, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये आपके पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब हमने इसकी बनानी है वेन डायग्राम, ठीक है, तो वेन डायग्राम नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए, यानी हमने बनानी है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वेन डायग्राम विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है, तो ये तो आपका यूनिवर्सल सेट आपको याद हो, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, ये आ गया यू। अब बनाएंगे सेट ए और बी, ये सेट ए आपके पास, वो तो थोड़ा बड़ा बनाते हैं, तो ये सेट ए है, दूसरा सेट बी बनाए हुए, तो ओवरलैप सेट है, इनमें 6 कॉमन है, तो यहां पर आएगा, ठीक है। अच्छा बेटा, आपको याद होगा, देखिए ये पहला सेट ए या सेट बी है, ये बाद में लिखूं, पहले शेड करूंगा, तो आपको याद होगा कि हम लोग क्या करते थे कि इंटरसेक्शन में ये जो कॉमन पोर्शन है इसको हम डार्क करते थे, ठीक है, इसको हम शेड करते थे, इसको मैं कह रहा हूँ शेड, ठीक है। ठीक है, और फिर यूनिवर्सल सेट में क्या करेंगे, यानी ये ए बी के होल कॉम्प्लीमेंट में पूरे को हम शेड कर देंगे, ठीक है, पूरे को हम शेड कर रहे हैं, तो पूरे को शेड कर रहे हैं, ठीक है। एक ही कलर से, यूनियन में क्या करते थे, इन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट में, कि ए यूनियन बी डिफरेंट कलर करते थे, और इसमें ए यूनियन और यूनिवर्सल सेट को डिफरेंट कलर करते थे, इसमें एक ही कलर करना, ठीक है। तो ये सेट आ गया ए, ये आ गया सेट बी, अब कॉमन एलिमेंट्स कौन था 6, वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है, ए और बी के अंदर। अब ए के एलिमेंट जो बाकी बच गए 7, 8 और 9, और बी के क्या बच गए थे 1, 2, 3, 4 और 5, और जो यू के जो कॉम्प्लीमेंट के बच गए थे वो कौन कौन से बच गए थे 0, 10, 11 और 12, ये बच गए थे, ठीक है। अब बेटा इसमें क्या देखें, आप जो ए इंटरसेक्शन बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपने ये जो ए इंटरसेक्शन बी जो है, जो आपने ये पोर्शन जो आपने
लाइनें बीच में लगानी है। इंटरसेक्शन बी है और जो बाकी है जो ए, यानी ये जो आपके पास जो ए इंटरसेक्शन जो बी का होल कॉम्प्लीमेंट है वो पूरा बाकी जो कलर है ये ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी इंशाल्लाह मंडे से आपके कॉलेज भी खुल जाए उसमें दोबारा क्लियर करेंगे। ठीक है तो अब आपने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 खुद करना है। ठीक है थ्री में देखिए सेट यूनिवर्सल सेट है, पी है, क्यू है, पी डैश फाइंड करना है, क्यू डैश फाइंड करना है, पी इंटरसेक्शन क्यू का होल डैश फाइंड करना है, पी यूनिटी क्यू का होल डैश फाइंड करना है और नेक्स्ट क्लास में आपको ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट और बी माइनस ए का होल कॉम्प्लीमेंट भी सिखाऊंगा। ठीक है तो इतना ही रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़।